हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एस स्टेनोग्राफर सिलेबस की इस वीडियो में एसएससी एस स्टेनोग्राफर सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया जाएगा और आप इसका ऑफिशियल पी डी से डाउनलोड कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा रिटर्न एग्जाम जो है आपका क्वालिफाइंग होगा अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 30 परसेंट नंबर लाने होंगे अगर आपके रिटर्न एग्जाम में 30 परसेंट से कम नंबर है तो आपको डिस्कवालीफाई माना जाएगा और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 25 परसेंट नंबर लाने होंगे तथा एस सी एस टी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम बीस नंबर लाना अनिवार्य है अब बात करते हैं लिखित परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की तो इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे और अंग्रेजी भाषा तथा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 नंबर के होंगे टोटल इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के होंगे रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जीरो दशमलव दो पाँच अंक काट लिए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा और एग्जाम जो है आपका उनतीस मार्च दो से इकतीस मार्च दो के बीच में होगा अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रिजनिंग के सिलेबस की इसमें आपसे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस तथा स्पेस विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस तथा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस से क्वेश्चन होंगे जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग विजुअल मेमोरी और डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेशन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे फिगर क्लासिफिकेशन तथा नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी यानी कि अर्थमेटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन तथा एनालिटिकल फंक्शन पूछे जाएंगे अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के सिलेबस तो इसमें आपसे करेंट इवेंट से, से पूछा जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देश तथा स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा तथा हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी इकोनॉमिक सींस तथा जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंसन के सिलेबस की तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज तथा वोकेबरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सेनोनिम्स और एंटोनिम्स और उसके करेक्ट यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्टोनोग्राफी का स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें इसके लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा और स्टोनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी लैंग्वेज की बात करें इसके लिए आपको पैंसठ मिनट का समय दिया जाएगा वहीं पर स्टोनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चालीस मिनट दिए जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज के लिए आपको पचपन मिनट दिए जाएंगे और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है आप वहां पर जाकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं और आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद